أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to the class number 26 of Web 3.0 and Metaverse course Okay class, तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्स का, रिडक्स टूलकिट क्या चीज होती है, और आज हम लोग इंशाल्लाह ताला अपना फ्रंट एंड का पार्ट खत्म कर लेंगे और आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी नोड जेएस जो कि हमारा बैकएंड। अच्छा क्लास, रिडक्स क्या चीज है, इसकी जरूरत पेश क्यों आई, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल की तरफ। मैं यहाँ पे रिडक्स सर्च करता हूँ। क्लास, रिडक्स क्या है हमारे पास? रिडक्स हमारे पास एक प्रिडिक्टेबल स्टेट है, बल्कि समझ लें एक कंटेनर समझ लें हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन। अब ये क्या बात हुई कि स्टेट कंटेनर है। देखें क्लास, जब मैंने आपको प्रॉप्स पढ़ाए तो प्रॉप्स में हो क्या रहा था कि हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड डाटा भेज रहे, पेरेंट टू चाइल्ड डाटा हम लोग भेज रहे, लेकिन हम चाइल्ड टू पेरेंट डाटा नहीं भेज सकते क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन हमारी वन टू वन डाटा बाइंडिंग है। मतलब अगर मैं आप लोगों को यहां से समझाऊं, मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ। क्लास ये समझ लें, ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि हमारे पास app.js है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ app.js, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। क्लास ये हमारी एक समझ लें app.js जो कि हमारी मेन फाइल है जो कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन पर रेंडर होती है, और यहाँ पे समझ लें हमारे पास और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक ये कंपोनेंट हमारे पास, एक ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है, और एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और कंपोनेंट यहाँ पर है और एक कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पर है। क्लास मिसाल के तौर पे मैंने एक कंपोनेंट बनाया यहाँ पर बटन का, दूसरा कंपोनेंट मैंने बनाया यहाँ पर इनपुट का, और तीसरा बटन क्लास मैंने बनाया यहाँ पर स्लाइडर का, ठीक है। और जो बटन है उसकी कोडिंग मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है क्लास। अब मिसाल के तौर पे जब हम लोगों ने प्रॉप्स देखे थे तो प्रॉप्स में हो क्या रहा था कि मैं पहले कोड बना दिया था, उसके बाद कंपोनेंट को मैं app.js में यूज कर रहा था, बटन के कंपोनेंट को। फिर अगर मुझे तीन चार दफा बटन यूज करने पड़ते थे तो मैं तीन चार दफा बटन को यूज कर लेता था app.js में। तो मसला वहां पे ये आ रहा था कि सेम बटन्स बन रहे थे वहां पे मेरे पास सबमिट सबमिट के। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेबसाइट है, उसमें मेरे पास तकरीबन 15 से 20 जगह बटन यूज हो रहे हैं, तो लाजमी सी बात है मैं उसका एक कंपोनेंट बनाऊंगा बटन का, और उसको जहां पे भी मुझे यूज करना होगा मैं करूंगा। लेकिन वहां पे मसला ये आ रहा था कि जितने बटन मुझे बनाने में बना तो सकता हूं, लेकिन उसके अंदर का जो मैटर है, जो बटन थे, वो सारे के सारे बटन मेरे पास सबमिट के थे, और मुझे डिफरेंट जगहों पे यूज करने, तो डिफरेंट चीजों से यूज करने उस बटन को, तो एक मुझे शायद सबमिट का चाहिए, एक फीडबैक का चाहिए होता, तो मल्टीपल मुझे बटन चाहिए थे कंटेंट के साथ। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया प्रॉप्स का कि जहां पे आप बटन को कॉल कर रहे हैं वहां पे आप प्रॉप्स भेजते हैं। तो मैं किसी एक एट्रीब्यूट के अंदर उसकी वैल्यू भेजता था, फिर मैं पेरेंट पे आके उसको गेट करता था प्रॉप्स को, और फिर यहाँ पे यूज कर लेता था। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि सारा काम जो हमारे पास हो रहा है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये इससे कॉन्केटिनेट कर, ये इसके पास जा रहा है हमारे पास, उसके बाद हम डेटा इस प्रॉप्स को यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चाइल्ड से पेरेंट को डेटा नहीं भेज सकते क्योंकि रिएक्ट हमारे पास वन टू वे डेटा बाइंडिंग है, और बाकी जितने भी फ्रेमवर्क हैं, चाहे वो एंगुलर हो, व्यू हो, वो हमारे पास टू वे डेटा बाइंडिंग है। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब ये है कि हम पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट को डेटा भेज सकते हैं,
ये टू वे डेटा बाइंडिंग है, लेकिन रिएक्ट में हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेज सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड टू पेरेंट को डेटा नहीं भेज सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आई जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, यहाँ पे क्लास हमारे पास आया मसला प्रॉप्स ड्रिलिंग का। प्रॉप्स ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि मैं पेरेंट टू चाइल्ड तो डाटा भेज सकता हूँ प्रॉप्स के थ्रू, लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट पे मैं डाटा नहीं भेज सकता। तो अगर मुझे ये चीज करनी है तो मुझे रिडक्स इज द बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत सारे कंपोनेंट्स बने हुए, जैसे कि एप डॉट जेएस हमारा मेन कंपोनेंट है और यहाँ पे मुझे डाटा भेजना है, मतलब मुझे यहाँ पे डाटा चाहिए, तो एप डॉट जेएस में मैं मल्टीपल स्टेट्स बनाऊंगा तो वो स्टेट्स मुझे यूज करनी है इस कंपोनेंट में, तो होगा क्या कि स्टेट मेरे पास इस तरीके से आएंगी, पहले एप डॉट जेएस से इनपुट की तरफ आएंगी, फिर इनपुट से मुझे यहाँ पे मिलेंगी, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिल सकती एप डॉट जेएस से डायरेक्ट, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे एप डॉट जेएस से मुझे डायरेक्ट नहीं मिल सकती अगर मैं करना चाहूँ, तो उसके लिए क्लास हमारे पास रिडक्स टूल किट आया है। रिडक्स हमारे पास समझ लें एक स्टेट कंटेनर है, हमारे पास एक स्टेट कंटेनर है रिडक्स। रिडक्स के अंदर हम जो स्टेट बनाते हैं ना क्लास, वो रिडक्स के अंदर रख देते हैं, रिडक्स स्टोर के अंदर। मान लें कि यहाँ पे मेरे पास एक स्टोर है, समझ लें ये मेरा एक स्टोर है, तो एप डॉट जे एस में मैं जो भी स्टेट बनाऊंगा, मतलब जिस कंपोनेंट में भी स्टेट बनाऊंगा वो सब स्टेट में रिडक्स के अंदर डाल दूंगा, और जिस कंपोनेंट में मुझे उस स्टेट की जरूरत पड़ेगी मैं रिडक्स को कॉल करूंगा और मैं वो स्टेट यूज कर सकता हूं। मुझे एप डॉट जे एस से इनपुट से मुझे फिर मुझे स्टेट मिलेगी, इससे अच्छा ये है कि मैं डायरेक्ट रिडक्स स्टोर को कॉल करूं और वहां से मैं अपनी जो स्टेट जो डाटा है वो मैं इसको गेट कर सकूं। तो क्लास ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रिडक्स का। अच्छा क्लास, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिडक्स का। अब रिडक्स में ना क्लास कुछ चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे जो भी हम स्टेट स्टोर कर जो स्टेट बनाते हैं ना उसको हम स्टोर करवाते हैं रिडक्स स्टोर के अंदर। हमारे पास टोटल तीन चीजें होती हैं रिडक्स के अंदर, एक आपके पास स्टोर होता है, दूसरा आपके पास होता है एक्शंस, और तीसरी चीज होती है आपके पास रिड्यूसर। अगर मिसाल के तौर पे अच्छा क्लास, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा स्टोर, क्लास हमारे पास रिडक्स में एक स्टोर होता है, एक होता है हमारे पास एक्शन, और एक और होता है हमारे पास रिड्यूसर्स। क्लास ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास रिडक्स में मेनली, वन बाय वन इन चीजों को देखेंगे हम लोग। अच्छा क्लास, जो भी आप स्टेट बनाए, जो भी आप मतलब क्या जो भी आप काम चाहते हैं ना क्लास कि मुझे इससे ये काम करवाना है, तो वो सारा काम आप रखेंगे एक्शन में, मतलब जो एक्शन मुझे परफॉर्म करवाना है, मतलब जो भी मुझे फंक्शनैलिटी लगानी है वो सारा काम आप करेंगे एक्शंस के अंदर, और वो काम मुझे कैसे करना है, मतलब भाई मुझे फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है वो मैंने यहाँ पे कर दी, अब कैसे फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है वो मैं करूँगा काम रिड्यूसर में, और जब मैंने उस फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर दिया पूरा, उसके बाद फिर मैं उसको रखूंगा एक स्टोर के अंदर, और जिस भी कंपोनेंट में क्लास मुझे उस फंक्शनैलिटी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट उस स्टेट की जरूरत पड़ेगी मैं स्टोर को कॉल करूंगा, क्लास मैं स्टोर को कॉल करूंगा और स्टोर से मैं वन बाय वन जो मुझे चीजें चाहिए होंगी मैं उससे डायरेक्टली मंगवा लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, अगर मैं थोड़ा यहाँ पे जाता हूं कि पहले क्या हो रहा था कि मसला हमारे पास प्रॉप्स ड्रिलिंग का आ रहा था, प्रॉप्स ड्रिलिंग का कि मुझे एप डॉट जे एस पे जाना पड़ेगा, फिर उसको उससे डाटा इनपुट में भेजना पड़ेगा, फिर इनपुट से मुझे इस कंपोनेंट में भेजना पड़ेगा, तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि एप डॉट जे एस से डायरेक्ट या फिर किसी स्टोर से मैं कोई चीज मंगवा लूं।
तो अगर मुझे जिस भी कंपोनेंट में जो चीज चाहिए होगी तो उस कंपोनेंट पर जो चीज होगी वो मैं स्टोर में डाल दूंगा। स्टोर हमारे पास समझ ले एक सेंट्रलाइज स्टेट है जिसके थ्रू हम चीजें मंगवा सकते हैं। अब जो भी चीज मुझे फंक्शनैलिटी अप्लाई करूंगा वो मैं साथ साथ रेडक्स स्टोर में सेव करवाता रहूंगा। फिर जिस भी कंपोनेंट चाहे यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो तो मुझे अगर उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं रेडक्स स्टोर से वो चीज मंगवा लूंगा। तो क्लास ये हायरार्की, ये कुछ समझ में आया आप लोगों को रिडक्स के किस तरीके से हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं अभी? तो क्लास हम लोगों ने थियोरेटिकल चीज तो समझ ली कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है, कि हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड डाटा भेज सकते हैं, लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट डाटा कैसे भेजें? तो वो हम लोग रिडक्स के थ्रू भेजते हैं। अच्छा, रिडक्स के बगैर भी हम लोग चाइल्ड टू पेरेंट डाटा भेज सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत जुगाड़ी तरीका करना पड़ेगा। जुगाड़ समझते हैं ना, मतलब कि काम चलाने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं लेकिन वो बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, हो सकता है लेकिन जुगाड़ी तरीका है, लेकिन जो प्रॉपर वे है, जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं चाइल्ड टू पेरेंट डाटा ट्रांसफर करने के लिए, वो हमारे पास होता है क्लास रिडक्स के थ्रू, रिएक्ट रिडक्स के नाम से, बल्कि क्लास 6 के नाम से बना। यहाँ पे आता हूँ जल्दी से, मैं अपना प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, npx create react app, और जो मेरी प्रोजेक्ट का नाम है वो मैं रख देता हूँ react redux। अच्छा क्लास, आप लोग redux यूज करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब मुझे redux को यूज करना है, जाहिर सी बात है। तो अब redux हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। अगर मैं react का प्रोजेक्ट देखें, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे रिडक्स नहीं मिलता क्लास। जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है ना क्लास आपके पास, जैसे कि मटेरियल यूआई है, एक्सियोस है, और भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो भी आज हम लोग ये देखने वाले रिडक्स की, तो ये सारी हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएं तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को लाजमी हर दफा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था एक शॉर्टकट तरीका कि आप लोग एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएं और उसके अंदर जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करके उसकी एक डेमो फाइल आप गिटहब पे पुश कर दें, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उस गिटहब से उस चीज को क्लोन कर लें, ताकि आपका टाइम जाया नहीं होगा रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट होने में और डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने में। ठीक क्लास, तो जब तक ये हो रहा है, अच्छा क्लास मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी साथ साथ करते रहे, क्योंकि रेडक्स का एनवायरमेंट थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, तो थोड़ा मुश्किल एनवायरनमेंट है। रेडक्स को अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट और आसान तरीका है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो आप लोग साथ साथ मेरे करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगे, और कोई मुश्किल या कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं कामरान अहमद, हम लोग रेडक्स टूल किट रिएक्ट नेटिव में यूज कर सकते हैं। पहले हमारे पास रेडक्स थंक होता था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको रिडक्स थंक, हमारे पास एक होता था, मिडलवेयर होता था, ठीक है, लेकिन अब ये डेप्रिशिएट हो चुका है, अब इसकी जगह आ चुका है क्लास रिडक्स टूलकिट। ठीक है, तो इसमें भी सारी वही चीजें जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, एक्शन होता है, रिड्यूसर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, जब तक हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं। तो रेडक्स हमारा एक समझ लें स्टेट मैनेजमेंट भी कहते हैं लोग उसको, के कौन मतलब स्टेट मैनेजमेंट, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी, बहुत सारी स्टेट मैनेजमेंट होती है, लेकिन हम लोग इस कोर्स में रेडक्स को देखेंगे, जो के मार्केट जो के ऑन डिमांडिंग एक स्टेट मैनेजमेंट है। तो रेडक्स हमारे पास प्रिडिक्टेबल डेटा कंटेनर भी होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, और डीबगेबल भी होता है ताकि आसानी से आप उसको रन कर सकें, और फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं गेट स्टार्टेड पे। अच्छा क्लास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सीडी अपने प्रोजेक्ट की तरफ आना है, और क्लास यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपको रिडक्स इंस्टॉल करनी है। ठीक है, अच्छा इसकी जो कमांड्स हैं वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी जब आप लोग रिएक्ट की वेबसाइट पर आएंगे। तो क्लास यहाँ पे आके आप लोग जाएंगे गेट स्टार्टेड पे, उसके बाद आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइडर देख रहे हैं, गेट स्टार्टेड विद रिडक्स के नीचे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। थोड़ा सा नीचे आएंगे,
क्लास यहां पे एक ये कमांड है npm install react redux, और एक और कमांड है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग उसको साथ साथ रन कर लें। क्लास आपको चलानी है npm i redux, एक ये कमांड है, पहले इसको चलाते हैं। अच्छा क्लास, दो चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे, एक है हमारे पास redux जो कि हम इंस्टॉल करनी है, और एक है react redux। ठीक है, ये दो कमांड्स आपको इंस्टॉल करनी है। पहली वाली कमांड हमने चला दी npm i redux और npm i react redux। ओके क्लास, तो यहां पे हमारे पास दोनों कमांड चली गई हैं, तो हम लोग चलते हैं अपना VS Code ओपन करते हैं। अच्छा क्लास, तो सबसे पहले हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कैसे चीजें डिजाइन होती हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं इस काम को। तो क्लास सिंपल, अभी हम लोग समझने के लिए React Redux को यूज करते हुए एक काउंटर ऐप बनाएंगे। काउंटर ऐप बेसिकली जो मैंने आप लोगों को React की फर्स्ट क्लास में बताया था, जब यूज स्टेट मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हम लोग यूज स्टेट के थ्रू पांच, मतलब एक ही फाइल के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा रहे थे काउंटर ऐप को। तो समझाने के लिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा एडवांस पे नहीं जा रहा, अगर एडवांस पे जाऊंगा तो आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, तो अभी थोड़ा बेसिक से चलते हैं, फिर उसके बाद चीजों को वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, अच्छा क्लास, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया जिस तरह यहाँ पर पेंट में कि हमें तीन चीजें चाहिए क्लास, एक हम स्टोर क्रिएट करेंगे, एक एक्शन और एक रिड्यूसर। क्लास एसआरसी के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा क्लास स्टोर डॉट js के नाम से। ठीक है क्लास, यहां पर हमें src के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है store.js, तो हमारा पहला काम तो हो गया। अब हमें एक्शन और रिड्यूसर भी बना रहे। अच्छा क्लास, एक्शन और रिड्यूसर आपके पास एक फोल्डर में आएंगे, तो यहां पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूं जिसमें होंगे हमारे पास सारे एक्शंस। उसके बाद src के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर होगा जो कि होगा हमारा, ठीक है चले। अच्छा क्लास, उसके बाद हम एक्शन के फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे फाइल बनाएंगे index.js की। ठीक है, एक्शन के फोल्डर के अंदर क्लास हम लोगों ने index.js की एक फाइल बनाई। रिड्यूसर के अंदर आते हैं, एक फाइल बनाते हैं हम लोग index.js की। ठीक है, दोनों फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे index.js, और रिड्यूसर के अंदर एक और फाइल बनेगी क्लास, मैं बना लेता हूँ क्योंकि हम काउंटर ऐप बना रहे हैं, तो अप डाउन के नाम से मैं एक फाइल बना लेता हूं। ठीक है, अच्छा क्लास, अब हम चलते हैं अपनी app.js पे। अच्छा मैं चेक कर लूं कि मेरा सर्वर चल भी रहा है या नहीं। नहीं चल रहा, तो सर्वर को चला देते हैं npm start। तो क्लास यहां पे हमारा प्रोजेक्ट रनिंग मोड पर है, हम जल्दी से यहां पे आते हैं, इन सबको हटाते हैं। अच्छा क्लास, यहां पे सबसे पहले मुझे बनाना है एक H1। यहाँ पे बनाता हूँ क्लास में एक H1 जो कि हमारे पास 0 है अभी करंट, और यहाँ पे मैं क्लास दो बटन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक इंक्रीमेंट का, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं नीचे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ी मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ गया। अच्छा उसके बाद हम लोग थोड़ी H1 को भी स्टाइल दे देते हैं, इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ मैं। फॉन्ट साइज में दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद बस अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक 0 है और यहाँ पे दो बटन्स हैं, इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो 0 से 1 हो जाए और डिक्रीमेंट करूँ तो 1 से 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा क्लास, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। अब क्लास मुझे करना क्या है, मैं आऊँगा एक्शन के अंदर। क्लास मुझे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करवाने, यहाँ पे अगर आप लोग देखें app.js में, तो मुझे दो एक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, एक है इंक्रीमेंट और दूसरा है क्लास डिक्रीमेंट।
क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी मैं छोटी सी काउंटर ऐप एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो एक्शंस परफॉर्म करवाने, तीसरा कोई एक्शन हमारे पास है नहीं। अभी दो एक्शन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो मुझे एक्शंस को डिफाइन करना है, तो क्लास वो मैं करता हूँ एक्शन फोल्डर के अंदर जो फाइल है इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर। तो क्लास यहाँ पे ऐप डॉट जे एस पे मेरे पास दो एक्शंस हैं, एक है इंक्रीमेंट दूसरा डिक्रीमेंट है। तो इनको डिफाइन करना है क्लास मुझे एक्शन फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल में। क्लास मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक एरो फंक्शन इंक्रीमेंट नंबर के नाम से, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्लास मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर क्लास आपको यहाँ पे एक रिटर्न लगाना है। रिटर्न के अंदर क्लास आप एक चीज देंगे यहाँ पे जो कि होगी आपकी टाइप, ठीक है। टाइप यहाँ पे देंगे आप इंक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा क्लास ये मैंने फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन, एक मिनट सॉरी, क्लास मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में मैं क्या चीज रिटर्न करवा रहा हूँ क्लास, एक टाइप रिटर्न करवा रहा हूँ जिसकी वैल्यू इंक्रीमेंट है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक्शन के अंदर मुझे एक्शन परफॉर्म कराना है, मैं वो बता रहा हूँ कैसे परफॉर्म करवाना है, वो मैं क्लास बताऊंगा रिड्यूसर के इंडेक्स डॉट जे एस में। एक्शन में हम बताते हैं कि ये मेरे पास एक्शन है और वो एक्शन कैसे परफॉर्म होगा वो मैं बताऊंगा रिड्यूसर के अंदर इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल, ठीक है। तो क्लास मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया इंक नंबर के नाम से और रिटर्न करवाया एक टाइप। सिंपल इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आते हैं और यहाँ पे क्लास मैंने एक और यूज करा डिक्रीमेंट डिक नंबर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट को हटा के कर देता हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है। तो क्लास एक्शन के अंदर मैंने दो फंक्शंस डिफाइन कर दिए और ये फंक्शन देखो अभी मैंने कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं करी क्लास, मैंने यहाँ पे सिंपल दो फंक्शन बनाए और उस फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ एक टाइप। टाइप की दोनों की सेम है, बस वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक्सपोर्ट इस फंक्शन को कर दिया मैंने और मैंने इस फंक्शन को कर दिया क्लास। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए और दोनों फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न करवाया एक टाइप जिसकी वैल्यू हमारे पास डिफरेंट है। अब क्लास में रिड्यूसर के अंदर आऊंगा, रिड्यूसर के अंदर सबसे पहले मैं आता हूँ अप डाउन डॉट जे एस, ठीक है। अच्छा क्लास यहाँ पर आके मैं एक्शंस को डिफाइन करूंगा क्योंकि मैंने एक्शन तो बना दिए यहाँ पर ऐप डॉट जे एस में। अब वो एक्शन किस तरीके से काम करेंगे, उनको कैसे काम करना है ये मैं बताऊंगा अप डाउन डॉट जे एस फाइल के अंदर, ठीक है। क्लास यहां पे मैं बना लेता हूं कॉन्स्ट, सबसे पहले मैं बनाता हूं इनिशियल स्टेट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैंने इनिशियल स्टेट रख दी क्लास इसकी 0, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लास यहां पे बनाया कॉन्स्ट चेंज नंबर इक्वल टू स्टेट, एक एरो फंक्शन मैंने बनाया क्लास। अच्छा क्लास इसके पैरामीटर में क्लास दो चीजें आएंगी, ठीक है, एक होगा आपका स्टेट और दूसरा होगा आपका एक्शन, ठीक है। अच्छा क्लास अभी मैं करता ये हूं कि जो इनिशियल स्टेट मैंने जो ऊपर एक वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू मेरे पास 0 है, इस स्टेट को मैं बराबर कर देता हूं इस वेरिएबल के, ठीक है। इस स्टेट जो कि चेंज नंबर का मैंने फंक्शन बनाया था उसके अंदर मुझे दो पैरामीटर्स मिलना है, एक स्टेट और एक एक्शन, ठीक है। तो स्टेट को मैंने बराबर कर दिया इनिशियल स्टेट के बराबर, ठीक है। अच्छा क्लास अब यहां पे मैं क्लास देखिए कंडीशंस की अगर बात आए तो इफ एल्स भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन स्विच केस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस फंक्शनैलिटी। अगर आप लोग रेडक्स की डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाएं तो उन्होंने जो फंक्शनैलिटी अप्लाई करी हुई है वो स्विच केस के थ्रू कंडीशंस लगाएंगी। तो इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप लोग स्विच केस यूज करें। स्विच केस हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं क्या होता है कि एक कंडीशन के ऊपर मल्टीपल केसेस हमारे पास बनते हैं। तो क्लास यहाँ पे मैंने स्विच लगाया और यहाँ पे क्लास एक्शन को मैंने बुलाया एक्शन डॉट
टाइप। अब ये डॉट टाइप कहां से आ रहा है क्लास? ये आ रहा है हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस से, जो मैंने दो फंक्शंस को यहां पे रिटर्न करवाया हुआ है, एक टाइप, उसकी टाइप आ रही है क्लास मेरे पास। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आ रही है कि मैंने जो दो फंक्शंस बनाए उन दोनों फंक्शंस में मैंने रिटर्न करवाया एक टाइप। तो क्योंकि मुझे टाइप ही चाहिए थी ना, टाइप के ऊपर मैं अब कंडीशन लगाऊंगा कि अगर यूजर इंक्रीमेंट पे क्लिक करता है तो स्टेट प्लस वन हो जाए, और अगर डिक्रीमेंट पे क्लिक करता है तो स्टेट माइनस वन हो जाए। अच्छा क्लास में दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहां पे देखें, देखें क्लास, सबसे पहले मुझे देखें मेरे अभी इस एप्लीकेशन, जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूं, इसमें कितने एक्शन है? इसमें दो एक्शन है मेरे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो एक्शन मुझे डिफाइन करने हैं, मुझे बनाने नहीं है कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी, मुझे अभी डिफाइन करना है। डिफाइन करता हूं मैं एक्शन फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फाइल। इसके अंदर क्लास मैंने सिर्फ दो फंक्शन बनाए, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक नंबर, एक एरो फंक्शन बनाया, और रिटर्न करवाया एक टाइप को, टाइप की वैल्यू इंक्रीमेंट है। सेम इसी तरीके से क्लास मैंने यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न करवाया एक टाइप, जिसकी वैल्यू मेरे पास डिक्रीमेंट है, ठीक है। अभी मैंने दोनों फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाया सिर्फ टाइप को, ठीक है। मैंने अभी तक कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं करी है, फंक्शनैलिटी अप्लाई करूंगा क्लास में रिड्यूसर फोल्डर के अंदर, जो मैंने फाइल बनाई है, अप डाउन डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस में नहीं करना है क्लास, अप डाउन डॉट जे एस के अंदर, ठीक है। अच्छा यहां पर आके क्लास मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, अच्छा क्लास आपको यहाँ पे कोई और सा वेरिएबल नहीं लिख सकते आप, आपको क्योंकि आप रेडक्स यूज कर रहे हैं तो आपको लाजमी यहाँ पे इनिशियल स्टेट ही लिखनी होगी, ठीक है। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट को मैंने बराबर करा जीरो के। उसके बाद क्लास मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया चेंज नंबर के नाम से, और इसके पैरामीटर में दो चीजें मुझे मिल रही थी, स्टेट और एक्शन। तो जो स्टेट मिल रहा था ना क्लास, उसको मैंने बराबर कर दिया ऊपर जो वेरिएबल था इनिशियल वैल्यू उसके, ठीक है। और जो एक्शन था उसके ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी, स्विच केस मैंने बनाया, स्विच केस के अंदर मैंने एक्शन डॉट टाइप करा। अब ये डॉट टाइप कहां से आ रहा है? ये जो हमने एक्शन डिफाइन करे ना क्लास, ये टाइप यहां से आ रहा है, ठीक है। तो क्लास में क्या करूंगा, मैंने एक्शन डॉट टाइप करा, उसके बाद क्लास मैंने यहां पे बनाया केस, के केस अगर मेरे पास हो कौन सा, अगर मेरे पास टाइप आए इंक्रीमेंट की तो क्या करना, तो कर देना रिटर्न स्टेट प्लस वन, मतलब एक का इंक्रीमेंट कर देना। स्टेट क्या है हमारे पास, स्टेट बराबर है इनिशियल स्टेट के, और इनिशियल स्टेट की वैल्यू क्या थी, करंटली जीरो थी। तो अगर हमारा यूजर जो है वो इंक्रीमेंट पे क्लिक करेगा तो इंक्रीमेंट के क्लिक पर जो स्टेट में जो जीरो था वो प्लस वन होकर उसकी वैल्यू जीरो से वन हो जाएगी। और अगर इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, कि अगर हमारा जो एक्शन होगा उसकी टाइप अगर डिक्रीमेंट होगी तो स्टेट के अंदर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस वन, ठीक है। अब जो मुझे एक्शन डिफाइन करने थे वो मैंने यहाँ पे कर लिए, और उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह अप्लाई होंगे वो मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों को पता है स्विच केस में डिफॉल्ट भी नाम का एक हमारे पास कीवर्ड होता है कि अगर कुछ भी ना हो तो क्या हो, तो यहाँ पे क्लास में डिफॉल्ट बना देता हूँ, स्टेट को सिंपल में कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है, कि अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना हो तो स्टेट बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहे, जो बाय डिफॉल्ट इसकी जो हमने स्टैटिक वैल्यू दी है वो रह जाए, ठीक है। तो क्लास हम लोग यहाँ पे फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दी, और हम कर देंगे क्लास इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस फंक्शन को, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लास अभी हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने एक्शन फोल्डर के अंदर जो फाइल थी इंडेक्स डॉट जे एस, उसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन तो कर दिया कि हम लोगों को कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करवाने, कैसे करवाने, वो हम अप डाउन डॉट जे एस में हम लोगों ने बता दिया। और जो फंक्शन में हम लोगों ने बताया, उस फंक्शन को क्लास मैंने कर दिया यहां पर चेंज नंबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्लास, अब मुझे क्लास यहां पे करना क्या है कि अब जाहिर सी बात है मेरे पास यहां पे एक फंक्शनैलिटी है, अब बहुत सारी फंक्शनैलिटी आएंगी तो वन बाय वन मैं इस फाइल में और नीचे फंक्शन बना के करता रहूंगा वो,
तो जब मेरे पास बहुत सारे एक्शंस आ जाएंगे ना, मल्टीपल एक्शंस, तो मैं उन मल्टीपल एक्शंस को क्लास कहाँ पे रखूंगा? एक रिड्यूसर, एक मैं रूट रिड्यूसर बनाऊंगा क्लास, एक मैं रूट मतलब जाहिर सी बात है ये भी एक रिड्यूसर ही है क्लास, ये एक रिड्यूसर है क्योंकि मैं एक फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा हूँ। अब मल्टीपल चीजें आएंगी तो मल्टीपल रिड्यूसर बनाऊंगा, तो इन सारे रिड्यूसर को मैं एक जगह पे कंबाइन करके रखूंगा। ठीक है, क्लास कैसे करूंगा? रिड्यूसर के अंदर अभी जो इंडेक्स की फाइल है यहां पर मैं आऊंगा, सबसे पहले मैं चेंज नंबर को जो मैंने एक्सपोर्ट कर रहा था उसको इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे। उसके बाद क्लास मैं यहाँ पे एक और चीज को इंपोर्ट करूंगा जो कि होगा हमारा कंबाइन कंबाइन रिड्यूसर। ठीक है क्लास, यहाँ पे देख लें आप लोग, मैंने आपको जिस तरह बताया कि मल्टीपल रिड्यूसर्स मेरे पास बन सकते हैं। रिड्यूसर का मतलब क्या होता है कि काम किस तरीके से परफॉर्म होगा। ठीक है, तो मल्टीपल रिड्यूसर को मुझे एक जगह सेव कराना पड़ेगा, मतलब रिड्यूसर रूट एक समझ लें रिड्यूसर का एक स्टोर है, उस स्टोर के अंदर सारे रिड्यूसर्स मेरे पास सेव होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपका बैग है, बैग के अंदर आपके पास बुक्स पेंसिल सब कुछ होता है, तो समझ ले बुक पेंसिल्स आपके पास रिड्यूसर्स हैं बहुत सारे, और जिस बुक पेंसिल जो आपके बैग के अंदर है वो बैग आपके पास एक रूट रिड्यूसर है या रिड्यूसर स्टोर है जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास रिड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे सिंपल मैं आया, मैंने जो यहाँ पर अप डाउन डॉट जे एस में जो मैंने फंक्शन को एक्सपोर्ट करा था, ठीक है, यहां पर आके मैंने इसको इम्पोर्ट करा और मैंने क्लास रिडक्स से एक चीज इम्पोर्ट करी कंबाइन रिड्यूसर, मतलब जितने भी रिड्यूसर हैं इनको कंबाइन कर दो। ठीक है, अब कंबाइन कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे आऊंगा कॉन्स्ट, मैंने एक वेरिएबल बनाया रूट रिड्यूसर इक्वल टू, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंबाइन रिड्यूसर को मैंने कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा। उसके बाद इस पैरेंट मतलब कंबाइंड रिड्यूसर को मैंने क्लास बुलाया और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने रखा इस चेंज नंबर को। क्लास अब कुछ समझ में आया? अब मिसाल के तौर पे मेरे पास इस फाइल के अंदर मल्टीपल मतलब बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो वन बाय वन में कॉमा लगा के दूसरा फंक्शन आएगा, मैं उसको यहाँ पे कॉल करवा लूंगा चेंज bg fetch डेटा के नाम से, दूसरा मेरे पास रिड्यूसर आया, फिर तीसरा आया। तो क्लास यहाँ पे क्या हो रहा है कि तमाम रिड्यूसर्स को मैं एक कंबाइन करके एक स्टोर में रख रहा हूं। अच्छा, ये वो वाला स्टोर नहीं है, ये है रिड्यूसर का स्टोर, समझाने के लिए। ठीक है, वैसे रिड्यूसर का तो अपना एक अपना ही मतलब समझ ले स्टोर होता है, तो तमाम रिड्यूसर्स को मैं कंबाइन करके एक स्टोर में रख रहा हूँ रिड्यूसर के। ठीक है क्लास, ये वाली बात सबको समझ में आई? अप डाउन डॉट जे एस में यहाँ पे अगर मेरे पास तीन चार फंक्शंस और होते तो वन बाय वन उनको मैं एक्सपोर्ट करता, और यहाँ पे आके इम्पोर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टी कॉमा लगा लगा के मैं यहाँ पे अपने रिड्यूसर्स को डिफाइन करता रहता। अप डाउन डॉट जे एस में मैंने एक फंक्शन बनाया, अब मुझे सिर्फ ये एक फंक्शन एक्सपोर्ट करना है, तो मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखूंगा। लेकिन अगर मुझे मोर देन वन फंक्शन या कोई भी चीज मोर देन वन मुझे अगर एक्सपोर्ट करनी होगी तो मैं डिफॉल्ट हटा दूंगा एक्सपोर्ट, और उसके बाद बनाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें मुझे एक्सपोर्ट करवानी है वो मैं वन बाय वन लिखता जाऊंगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारे पास एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का। अब क्लास मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने यहाँ पे रिड्यूसर, अभी चूंकि हमारे पास एक रिड्यूसर है तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ इस रूट यूजर को। ठीक है क्लास, अब हमारा समझ लें कि 75% हमारा काम हो गया, 75% हमारा काम हो गया क्लास, हमने एक्शन डिफाइन कर दिया, हमने रिड्यूसर डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है क्लास, जो मैंने यहाँ पे रिड्यूसर कंबाइंड रिड्यूसर रखा है मल्टीपल यूजर्स को रिड्यूसर को, उसको मैंने एक वेरिएबल में रखा और उस वेरिएबल को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्लास मेरे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स मौजूद है। उसके बाद क्लास मैं यहाँ पे क्या करूंगा, src के अंदर आके एक स्टोर डॉट जेएस की फाइल क्लास मैंने बनाई हुई, यहाँ पे स्टोर डॉट जेएस की फाइल मैंने यहाँ पे बनाई हुई क्लास, यहाँ पर आप लोग आएंगे,
अब क्लास जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पेंट के थ्रू कि मल्टीपल यूजर्स को अब मैं क्लास एक स्टोर में जमा करूंगा। स्टोर क्या है क्लास? हमारे पास एक सेंट्रलाइज कंटेनर है जिसके थ्रू, मतलब अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट पर मैं अगर हूं और मुझे कोई भी चीज चाहिए होगी तो मैं स्टोर को कॉल करवा के उसके अंदर से वो चीज ले आऊंगा, ना ही कि ऐप डॉट जेएस से किसी कंपोनेंट में मंगवाया फिर कंपोनेंट से मैं अपने पास यूज कर रहा हूँ। ठीक है क्लास? तो क्लास अब जो मेरे पास रूट रिड्यूसर आया है, यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स को मैंने कंबाइन कर दिया, अब इस रूट यूजर रिड्यूसर को मैं यूज करूंगा स्टोर के अंदर। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे सबसे पहले मैं रूट रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्लास मैं यहाँ पे एक और चीज को इंपोर्ट करूंगा जो कि होगा हमारा क्रिएट स्टोर के नाम से। मेरे पास सजेशन नहीं आ रहा है, क्रिएट स्टोर, चलें कर लेते हैं इसको फ्रॉम रिडक्स। ठीक है क्लास, तो क्लास मैंने यहाँ पे करा क्या कि रिडक्स से क्रिएट स्टोर मंगवाया। अब मुझे क्लास क्या करना है कि क्रिएट स्टोर के अंदर जो कंबाइंड रिड्यूसर जो मेरे पास आ रहे थे, जो मल्टीपल रिड्यूसर को मैं कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहा था, उन तमाम रिड्यूसर को मैं अब एक स्टोर के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे ये क्लास यही तो काम करना था, मल्टीपल रिड्यूसर मतलब जो भी कंपोनेंट जो भी फंक्शनैलिटी थी वो मुझे स्टोर के अंदर सेव करवाना था। स्टोर हमारे पास सेंट्रलाइज कंटेनर है। तो क्लास अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टोर के नाम से, कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू क्रिएट क्रिएट स्टोर, और इसके पैरेंथेसिस में क्लास में पास कर दूंगा ये रूट रिड्यूसर। तो अब इससे क्या हुआ क्लास कि जो मेरा सेंट्रलाइज कंटेनर था जो कि स्टोर था उसके अंदर मतलब मल्टीपल रिड्यूसर्स मेरे पास थे, अभी तो फिलहाल एक है लेकिन आगे जाके जब हम मल्टीपल रिड्यूसर जब बनाएंगे तो मल्टीपल रिड्यूसर को हम इसी तरीके से स्टोर में डालेंगे। ठीक है, अब आपको सिंपल कल को अगर आपने एक और रिड्यूसर बनाया तो आप सबसे पहले उसको एक्शन के अंदर एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे टाइप के साथ कि उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस थे, एक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के नाम से, तो अगर मुझे कोई और सा फंक्शन बनाना पड़ा, कोई और सी मतलब कोई मुझे फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी पड़ी तो क्लास में करूंगा ये कि वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, फिर उसको मैं यहाँ पे उसका वो कैसे परफॉर्म होगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, उसके बाद फिर आपका काम खत्म, फिर आपको ना इसको छेड़ने की, हाँ उसके बाद फिर आप यहाँ पे उस रिड्यूसर को ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर आपको ये छेड़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि मल्टीपल यूजर्स आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और वो स्टोर के अंदर जाते रहेंगे। ठीक है क्लास, और मैं क्लास इस एक्सपोर्ट स्टोर को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? तो अब हमारा 90% काम हो गया क्लास, 90% क्लास हमारा काम हो गया कि हमने स्टोर के अंदर रिड्यूसर को सेव करवा दिया। ठीक है, अच्छा क्लास अब उसके बाद क्लास करना यह है कि जो हमारी मेन फाइल है, मेन फाइल कौन सी है क्लास? एप डॉट जे एस है। यहां पे नहीं, हम लोग आएंगे इंडेक्स डॉट जे एस में। यहां पर क्लास, यहां पर अब मुझे करना यह है कि अब देखिए मैंने स्टोर रिडक्स रिड्यूसर्स एक्शन सब बना लिए लेकिन अब ये वर्क नहीं करेगा। वर्क क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने एप डॉट जे एस के अंदर स्टोर बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास अब मुझे करना क्या है कि स्टोर को सबसे पहले जो मैंने एक्सपोर्ट करा था वहां से उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, और उसके बाद क्लास एक और चीज मैं यहाँ से इंपोर्ट करूंगा जो के होगा क्लास हमारा प्रोवाइडर। क्लास मैंने प्रोवाइडर और स्टोर दोनों यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब जो प्रोवाइडर मैंने इंपोर्ट करा ना क्लास रिएक्ट रिडक्स से, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को हटा देते हैं और यहां पे मैं प्रोवाइडर। तो क्लास मैंने अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइडर के अंदर रैप कर लिया। ठीक है, और प्रोवाइडर के ओपन टैग के अंदर क्लास मैंने एक एट्रीब्यूट दिया स्टोर का, और इसके अंदर जो मैंने इंपोर्ट करा ये वाला स्टोर
वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप इस एट्रीब्यूट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आप कंटेनर लिख दें, आप डिव बना दें, मतलब कोई भी बॉक्स लिख दें, लेकिन इसके अंदर जो चीज जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्टोर। ठीक है क्लास, तो अब आपका 95% काम हो गया। ठीक है, अब आपकी जो एप्लीकेशन थी वो आपकी रिडक्स के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, उसकी तमाम फंक्शनैलिटी अब आपके साथ आपकी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है क्लास, उसके बाद क्लास आपको सिर्फ करना यह है कि अब जो आपने चीजें डिफाइन करी है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसको आप यूज करेंगे app.js में यहां पर। तो क्लास यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। प्रोवाइडर आपके पास रिएक्ट रिडक्स से आएगा और आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइडर एलिमेंट के अंदर रैप कर देंगे और प्रोवाइडर के ओपन टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट देंगे और उसकी वैल्यू आप स्टोर पास कर देंगे जो कि सेंट्रलाइज कंटेनर है रिडक्स का। जी क्लास, कोई सवाल यहां तक? वीडियो स्टक हो रही है, चलिए मैं चेक कर लेता हूं उसको। आई थिंक ठीक है। अच्छा क्लास, अब इंशाल्लाह ताला वीडियो स्टक नहीं होगी। ठीक है, अच्छा क्लास, ठीक है। अब क्लास मुझे करना क्या है कि अब मुझे यूज करना है। ठीक है, तो क्लास अब अपनी app.js में आ जाता हूं। अब यहां पे मुझे 0 जो कि मैंने स्टैटिक वैल्यू लिखी है, अब मुझे यहां पे डायनेमिक करना है इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्लास? यहां पे आप दो चीजें इंपोर्ट करेंगे, एक होगा आपका यूज सिलेक्टर, ठीक है, और एक होगा क्लास आपके पास यूज डिस्पैच। क्लास ये आपके पास दो हुक हैं रिएक्ट रिडक्स के, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। यूज सिलेक्टर, अगर आपने रिड्यूसर एक्शन में कोई चीज डिफाइन करी है और आप चाहते हैं कि वो चीज आप अपनी एप्लीकेशन में यूज करें, तो थ्रू यूज सिलेक्टर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं जाऊं यहां पर क्लास आप लोग देख सकते हैं रिड्यूसर के updown.js फाइल में मैंने इनिशियल वैल्यू क्या क्लास यहां पे क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। ठीक है, तो अब मुझे ये जो डायनेमिक 0 वैल्यू है वो मुझे यहां पे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्लास मैंने यहां पे दो चीजें करी, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूं। क्लास मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट रिटर्न के ऊपर मैंने बनाया माय स्टेट के नाम से एक वेरिएबल और यहां पे क्लास मैंने लगाया यूज सिलेक्टर और इसके ओपन ब्रैकेट के अंदर क्लास मैंने कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इस कॉल बैक के अंदर मुझे मिलेगा यहां पे स्टेट। ठीक है, ये आपको खुद ब खुद मिलेगा और ये जरूरी भी नहीं है, आप यहां पे ई भी लिख सकते हैं, आप यहां पे ए अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पे मुझे स्टेट मिलेगा, तो मैं करूंगा स्टेट डॉट और जो क्लास मैंने यहां पे फंक्शन पास करा था ना यहां पर कहां गया updown.js में जो मैंने यहां पे फंक्शन पास करा था ना चेंज नंबर का, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है क्लास, तो यूज सिलेक्टर के अंदर मैंने कॉल बैक फंक्शन पास करा, स्टेट डॉट चेंज नंबर करा। ठीक है, अब माय स्टेट, अब चेंज नंबर में जो मेरे पास स्टेट थी चेंज नंबर डॉट स्टेट, अगर आप लोग यहां पे देखें चेंज नंबर डॉट स्टेट, स्टेट में स्टेट बराबर किसके है इनिशियल स्टेट के और उसकी वैल्यू क्या क्लास 0। ठीक है, तो वो चीज क्लास मैंने यहां पे पास कर दी स्टेट के अंदर। ठीक है, अब इस माय स्टेट को मैं यूज करूंगा, 0 हटा देता हूं क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए जा रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्लास कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा और यहां पे माय स्टेट पास कर दूंगा। ठीक है, अभी चेक करके देखते हैं कि मेरे पास वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं आता हूं अप डाउन, यहां पर मैं करता हूं 10, सेव करता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं क्लास मेरे पास ये 100% वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो क्लास ये वाली बात सबको क्लियर हुई कि मैंने यहां पे यूज सिलेक्टर क्यों यूज करा, ताकि कॉल बैक फंक्शन में मुझे एक स्टेट मिले और स्टेट डॉट चेंज नंबर में करूं।
अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे स्टेट क्यों लिखा था, इस यहाँ पे स्टेट क्यों लिखा था, यहाँ पे एक्शन क्यों लिखा था, अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस स्टेट को बराबर क्यों करा था इनिशियल स्टेट के, अब आपको ये भी समझ में आया होगा। तो क्लास आप मुझे यहां तक बता दीजिए कि यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है क्लास, ठीक है, सही है। तो क्लास यहां पे अब मेरे पास, अगर मिसाल के तौर पे मैं अप डाउन्स में जाता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं 40, सेव करता हूं, तो यहां पे मेरे पास 40 हो रहा है। लेकिन क्लास अब मुझे क्या करना है कि इंक्रीमेंट के बटन के क्लिक पर मुझे इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है। तो अब क्लास ये काम कैसे होगा, यहां पर मैं आता हूं बटन के अंदर, अब जाहिर सी बात है ऑन क्लिक का मेरे पास यहां पे इवेंट लगेगा। क्लास मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को, सब कुछ क्लियर है, वीडियो स्ट्रक तो नहीं हो रही आप लोगों के पास? जी क्लास प्लीज कंफर्म कर दे इफ द सेशन इज ओके। राइट, चलो मैंने अभी सैम्स फर्स्ट फ्लोर वाला कर दिया इंटरनेट। ओके क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास अब यहाँ पे क्लास हो ये रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कि मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे अब ये स्टैटिक काम हो रहा है, मुझे क्लिक के ऊपर इसको अपडेट करवाना है। तो अब जाहिर सी बात है अगर मुझे बटन के ऊपर अपडेट करवाना है तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्लास इवेंट ऑन क्लिक। अब क्लास यहाँ पे मैं क्लास एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूँ और यहां पे मैं यूज करूंगा अब क्लास यूज डिस्पैच, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप रिड्यूसर के थ्रू आपने एक्शंस मतलब जो फंक्शनैलिटी वो आपने डिफाइन कर दी और आपने मल्टीपल रिड्यूसर्स बना दिए, ठीक है। अब मुझे अगर इसको यूज करना है किसी के बटन के क्लिक के ऊपर या किसी लिंक के ऊपर, तो मैं यूज डिस्पैच के थ्रू वो काम करवा सकता हूँ। तो क्लास मैंने यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले यूज डिस्पैच मैंने रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करा, उसके बाद क्लास रिटर्न से ऊपर मैं डिस्पैच को यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पे मैंने इस हुक को कॉल कर लिया। अब क्लास इस डिस्पैच वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ और ऑन क्लिक के कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पे पास कर देता हूँ। अच्छा क्लास इसके अंदर अब क्लास मुझे क्लिक करने पर उस वैल्यू को अपडेट करना, तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्शन के अंदर जो मैंने फाइल बनाई थी, तो क्लास जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाए थे, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्यों फंक्शन बनाए थे। वो इसी वजह से बनाए थे कि हमारी ये कंडीशन चेक होगी कैसे, ये चेक तभी होगी ना इसके बिहाफ पर कि हमारा फंक्शन कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। तो ये जो फंक्शन है ना क्लास जो मैंने यहाँ पे दोनों बनाए हैं, ये दो फंक्शंस मैं उन बटन के ऑन क्लिक में पास कर दूंगा,
ताकि उनके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन हमारे पास चेक हो कि अगर इंक नंबर पर क्लिक हुआ हुआ है तो स्टेट अपडेट +1 हो जाए, और अगर डिक्रीमेंट हुआ हुआ है तो स्टेट -1 हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो क्लास यहाँ पे करूंगा क्या कि मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा उन दोनों फंक्शंस को। तो यहाँ पे मैंने INC नंबर को इंपोर्ट करा और दूसरे फंक्शन को इंपोर्ट करा, और क्लास यहाँ पे मैं इस फंक्शन को डिस्पैच के अंदर बुलाऊंगा और कॉल करूंगा। ठीक है, इसको चला के चेक करते हैं। मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक करा तो आप लोग देख सकते हैं क्लास फाइनली मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई? क्लास मेरे पास वीडियो, आप लोग के पास वीडियो विजिबल हो रही है? चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्लास मैंने यहाँ पे करा ये कि अगर आपको कोई चीज किसी बटन के क्लिक के ऊपर या किसी लिंक के ऊपर चलवानी, तो आप अगर आपने रिड्यूसर में कोई रिडक्स में कोई रिड्यूसर पास करा हुआ है, किसी स्टोर के अंदर रिड्यूसर है, तो आप उसको यूज करेंगे डिस्पैच के थ्रू। ठीक है, तो क्लास मैंने यहाँ पे करा ये कि बटन में मैंने एक ऑन क्लिक का इवेंट लगाया, और ऑन क्लिक के इवेंट में क्लास मैंने कॉल बैक फंक्शन पास करा। ठीक है, उसके बाद मैंने यूज डिस्पैच को सबसे पहले इंपोर्ट करा रिएक्ट रिडक्स से। उसके बाद क्लास मैंने एक ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करा। डिस्पैच को मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवाया क्लास, उसके बाद मैंने उस डिस्पैच को यूज करा ऑन क्लिक में, और इसके पैरेंथेसिस में क्लास मैंने इंक नंबर का फंक्शन कॉल कर दिया। ये कहां से आ रहा है क्लास? ये मेरे पास आ रहा है इंडेक्स डॉट जेएस से। मतलब जब बटन के ऊपर क्लिक होगा, टाइप जाएगी, ये टाइप इंक्रीमेंट थी, ये टाइप जाएगी यहां पर, केस चेक होगा, अगर केस मिलता जुलता होगा तो स्टेट अपडेट हो जाएगी, और अगर डिक्रीमेंट का केस होगा तो स्टेट -1 हो जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो स्टेट वापस से रिटर्न हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज करा है क्लास यूज डिस्पैच। अब सिंपल क्लास मैं इसी चीज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे करते हैं मैं ऑन क्लिक के अंदर पेस्ट, और यहाँ पे मैंने क्लास डिक नंबर का फंक्शन पास कर दिया। इसको सेव करते हैं। अच्छा, एक और काम, हम इसको वापस से जीरो कर देते हैं। अब क्लास हम लोग चेक करके देखते हैं कि हमारा जो काउंटर ऐप है वो वर्क कर रही है। इंक्रीमेंट पे मैंने क्लिक करा, क्लास मेरी काउंटर ऐप इंक्रीमेंट हो रही है, और डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो क्लास मेरी काउंटर ऐप डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो क्लास एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर हम लोग जुगाड़ी तरीका अप्लाई कर लें। ठीक है, जुगाड़ी तरीके में एक फाइल में सारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे सर मतलब एक छोटे से काम को करने के लिए 4-5 फाइलें हम लोगों ने बना ली, तो सर सही तरीका तो ये है कि जुगाड़ी तरीका अप्लाई कर लेते हैं। मतलब कौन इतना लंबा प्रोसेस करे एक छोटी सी चीज के लिए। यूज स्टेट हमने यूज करा था सर, तो एक फाइल के अंदर वो काउंटर ऐप हमारी बन गई थी, और यहाँ पे कहाँ एक फाइल और कहाँ 5 फाइलें। देखो नुकसान है, लेकिन फायदा भी तो देखो ना आप लोग। कल को अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं इस डायग्राम के ऊपर जाता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, क्लास यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे मेरा एक एक ये मेरी एप्लीकेशन है, app.js के नाम से, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। क्लास मेरे पास ये एक app.js है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स बने हुए।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन बनाई कि ये इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी और ये भी, ठीक है। उसके बाद क्लास आप लोग सिर्फ इस डायग्राम को देखें। देखें, मिसाल के तौर पे ये मेरी एप डॉट जे एस की फाइल है, ठीक है, एप डॉट जे एस की मेरी फाइल है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा था किसका, प्रॉप्स ड्रिलिंग का, ठीक है, प्रॉप्स ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा था। कॉन्सेप्ट ये आ रहा था कि एप डॉट जे एस में मैंने ये मेरे सारे जो खाली एम्प्टी बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये सारे मेरे कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स मैंने बनाए हुए और कोई भी चीज मुझे चाहिए होगी एप डॉट जे एस से, तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज चाहिए, ये मेरे पास कोई एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एप डॉट जे एस की स्टेट या कोई भी फंक्शनैलिटी मुझे यहाँ इस कॉम्पोनेंट में चाहिए, तो होगा क्या कि एप डॉट जे एस से पहले यहाँ पर आएगा, फिर इससे यहाँ पर आएगा, फिर इससे यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब मुझे काम काम डबल करना पड़ेगा, पहले इस फंक्शनैलिटी इस स्टेट को या मुझे पहले यहाँ पे डिफाइन और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, मतलब लेके आना पड़ेगा, फिर इस तमाम चीज को मुझे यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, फिर उन तमाम चीजों को मुझे यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। तो काफी काम बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो रिड्यूसर जब आया तो उसने कहा कि भाई मैं बना रहा हूं आपके पास एक कंटेनर, एक सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज कंटेनर, ठीक है, जो कि आपका होता है यहां पे स्टोर, ठीक है, ये आपके पास स्टोर है। तो रिडक्स ने कहा कि भाई आप जो भी चीज बना रहे हो, जिस भी कंपोनेंट में बना रहे हो, आप चाहे इस कंपोनेंट में बनाओ, इस कंपोनेंट में बनाओ, किसी भी कंपोनेंट में बनाओ, और आप चाहते हो कि आगे जाके ये चीज यूज हो सकती है, तो आप उस कंपोनेंट उस चीज को रख दो सेंट्रलाइज कंटेनर रिडक्स स्टोर के अंदर, ताकि जिस कंपोनेंट में मुझे जरूरत पड़े, मुझे उस कंपोनेंट के ऊपर जाना ना पड़े, मैं स्टोर को कॉल करूं और चीज मंगवा लूं। क्लास ये वाली बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रॉप्स ड्रिलिंग का, कि क्या कॉन्सेप्ट आ रहा था। मतलब सारा ये आ रहा है कि डेटा चाहिए, तो डेटा हर कॉम्पोनेंट से मूव होता हुआ फिर मेरे पास आएगा, तो क्यों ना एक ऐसा शॉर्टकट होना चाहिए कि तमाम डेटा मेरे पास एक स्टोर या एक कंटेनर में पड़ा हुआ हो, बस मैं उसको कॉल करूं और यूज करूं, ठीक है। तो देखो नुकसान भी है कि 5 फाइलें बन रही हैं, लेकिन फायदा भी देखो कि आपको बार बार हर फाइल में उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, उसको मंगवाना नहीं पड़ेगा, आपको बस जिस जगह जरूरत होगी बस आप वहीं पर अपना काम करोगे। तो क्लास ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास रिडक्स का। होपफुली मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने करवाया इसको, लेकिन मुझे पता है कि कन्फ्यूजन हो ही होगी आप लोगों को लाजमी, लेकिन आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी। अगर आपको क्लास ये चीज़ समझ में आ गई ना क्लास, तो होगा ये कि आप यूट्यूब पे भी आप जब आप सर्चिंग करेंगे ना, तो आप जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखेंगे वहां पे लोग बना रहे हैं, तो वहां पे भी हो सकता है कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है। जो मैंने तरीकेकार करवाया रिडक्स का, मैंने आपको जिस तरह बताया स्टार्टिंग में कि रिडक्स को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने जो तरीका करवाया वो बहुत आसान सा तरीका है, मुझे लगता है इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई चीज समझ में ना, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप लोग अब जाहिर सी बात है आप इसको यूज करेंगे, आपको इसके ऊपर काम करना है, तो जब आप यूट्यूब पे थोड़ी सर्चिंग करेंगे, प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि लोग बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो हो सकता है कि वो रिडक्स को अलग तरीके से यूज करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको वो समझ में आ गया ना क्लास, तो आपके लिए सारी चीजें आसान है, फिर आप रिडक्स को चेक मतलब इसके ऊपर काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास ये था हमारे पास रिडक्स का टॉपिक, और यहाँ पे क्लास हमारा जो फ्रंट एंड का पार्ट है रिएक्ट का और रिडक्स का, वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं बैकएंड जो कि हमारा नोड जेएस है, ठीक है, उसकी तरफ। तो क्लास जल्दी से बता दें क्या था, सबको क्लियर है।
जी उजैर, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नुकसान है 5 फाइलें बनाने का, लेकिन फायदा भी है। बस आपको क्लास समझ में आ जाए ना कि कौन सी फाइल क्या करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सबसे पहले एक्शन फोल्डर के अंदर आया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने फंक्शन बना के टाइप डिफाइन कर दी क्लास, बस टाइप डिफाइन करी कि क्या टाइप होनी चाहिए, फिर उस फंक्शन को किस तरीके से, उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह अप्लाई करनी है वो मैंने यहाँ पे देख लिया, ठीक है क्लास। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे इस चीज को नोट कर लिया कि इंक्रीमेंट पे क्लिक हो तो स्टेट +1 हो जाए, अगर डिक्रीमेंट हो स्टेट -1 हो जाए, बस मल्टीपल रिड्यूसर आपके पास बनेंगे, उनको एक कंबाइंड रिड्यूसर के अंदर आप जमा कर लो और फिर उस रूट रिड्यूसर को आप पास कर दो स्टोर के अंदर। बस अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना क्लास, तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। फाइल सिस्टम इतना मुश्किल नहीं होता क्लास, असल होता है कॉन्सेप्ट कि पहले हमें कहाँ जाना है, उसके बाद फिर कहाँ जाना है, उसके बाद फिर कहाँ जाना है, और उसके बाद फिर कहाँ जाना है। अगर आपने ये फ्लो ऑफ डाटा ट्रांसफर सीख लिया ना क्लास, बहुत आसान है आपके लिए, यकीन माने। अच्छा क्लास, कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि मिसाल के तौर पर, अब जाहिर सी बात है कोई चीज हम पूरी पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते। रिएक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग मेजर, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेजर टॉपिक्स हम लोग कवर करवा देते हैं और खुद भी कवर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि जो चीज हमने पढ़ी होती है वो उससे होती नहीं है। फिर हम रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, थोड़ी सर्चिंग करते हैं गूगल से, यूट्यूब से, यूट्यूब की वीडियोज को देखते हैं थोड़ा सा, तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है। तो अपनी ना सर्चिंग स्किल्स को भी थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है ना, कुछ खुद से पढ़ने की कोशिश करें। मतलब कोई चीज अगर हमने नहीं करवाई भी कोई मसला नहीं है सर, हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला इस चीज को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास थोड़ा टाइम भाग रहा है, जल्दी से हम लोग नोड जेएस स्टार्ट कर देते हैं। पहले नोड जेएस होता क्या है वो समझते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। क्लास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नोड जेएस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट दैट कैन रन ऑन विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स एंड मोर। क्लास नोड जेएस आपके पास एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, नोड जेएस आपके पास जावास्क्रिप्ट का रनिंग रन टाइम एनवायरमेंट है। अभी क्या मतलब है इस बात का, मिसाल के तौर पे नोड जेएस से पहले, अब जाहिर सी बात है नोड जेएस से पहले जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड रन होता था ना क्लास, वो सिर्फ ब्राउजर पे होता था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, इंस्पेक्ट एलिमेंट मैं यहाँ पे ओपन करता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लास कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊं ए को, तो क्लास आंसर क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा, बिल्कुल सही है। तो क्लास नोड जेएस जब आया ना, उससे पहले नोड जेएस से पहले जो जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड था ना, वो रन होता था ब्राउजर पे, और अभी हम लोगों ने करके देख लिया। लेकिन इसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री पे जाए ना, तो आई थिंक 2009 में एक गूगल इंजीनियर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम शायद रियान था, उनका नाम रैन ऐसा कुछ नाम था, गूगल इंजीनियर थे रैन नाम के, 2009 में उनको ख्याल आया कि भाई एक ऐसी चीज बनाई जाए कि जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे तो हो, लेकिन ब्राउजर के अलावा भी कहीं पे भी रन हो जाए, टर्मिनल पे रन हो जाए, किसी भी जगह रन हो जाए। तो पहले क्या होता था, नोड जेएस से पहले जावास्क्रिप्ट का कोड जो रन होता था ना क्लास, वो सिर्फ ब्राउजर पे होता था और कहीं पे भी नहीं होता था। लेकिन जब नोड जेएस आया, तो नोड जेएस ने क्या करा कि अब जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो ब्राउजर पे तो रन होता है, लेकिन वो हमारे ये टर्मिनल है ना, इस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो नोड जेएस बेसिकली आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट है, ठीक है, जो कि रन होता है आपके विंडोज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नोड जेएस रन्स ऑन अ V8 जावास्क्रिप्ट इंजन एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड अ वेब ब्राउजर, ठीक है। अच्छा क्लास, इसका क्या मतलब है, अच्छा क्लास आप लोग को यह बात पता होगी या नहीं होगी मुझे पता नहीं, लेकिन
अब जैसे मल्टीपल ब्राउजर्स हैं क्लास हमारे पास, जैसे कि नोड जेएस है, जैसे कि हमारे पास ब्राउजर है गूगल क्रोम, ओपरा, मोजेला फायरफॉक्स, सफारी, तो ये आपके पास क्लास वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है। अगर आप हर ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट का कोड चेक करें तो आपका जो कोड कंपाइल होता है ना क्लास, वो एक खास नोड जेएस के जावास्क्रिप्ट के इंजन पे होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप वीएस कोड पे, जैसे मैं यहाँ पे वीएस कोड में कुछ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसका रिजल्ट मैं ब्राउजर पे देखूंगा, जाहिर सी बात है, तो जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ ना क्लास, तो जो मेरे कोड को कंपाइल करके ब्राउजर में दिखा रहा है, वो जो कंपाइलेशन है ना, वो है आपका ब्राउजर, जो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, वो है आपका V8 इंजन। गूगल क्रोम सपोर्ट करता है V8 इंजन को। अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करूं V8 इंजन, क्लास V8 इंजन आपके पास एक गूगल क्रोम का इंजन है क्लास, ये गूगल क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो है V8। अगर आप किस पे मोज़िला फायरफॉक्स पे काम करें तो उसका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो है स्पाइडर मंकी, ठीक है। स्पाइडर मंकी के नाम से आपका मोज़िला फायरफॉक्स में जावास्क्रिप्ट का इंजन है। अगर आप सफारी पे बात करें तो नेट्रो है। तो क्लास हो क्या रहा है कि ब्राउजर्स डिफरेंट हैं, तो उनका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो भी डिफरेंट है। तो आप जहां पे भी कोड करें, अगर उसका रिजल्ट आप ब्राउजर पे देख रहे हैं, तो जो कंपाइल कर रहा है आपके कोड को, तो वो इंजन गूगल क्रोम का V8 है, और बाकी ब्राउजर्स का आप लोग सर्च कर सकते हैं वो है। उसके बाद ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्लास नोड जेएस आपके पास ना ही लाइब्रेरी है, ना ही फ्रेमवर्क है, और ना ही कोई लैंग्वेज है। नोड जेएस आपके पास एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे नोड जेएस क्या है, तो आप उससे कहोगे कि ये नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब क्या है क्लास, कि नोड जेएस से पहले, ऐसे मैंने आप लोगों को बताया कि नोड जेएस से पहले जावास्क्रिप्ट रन होती थी सिर्फ ब्राउजर पे, उसके अलावा कहीं पे भी रन नहीं होती थी। लेकिन जब नोड जेएस आया, तो अब हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के अलावा और भी जगह इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और भी जगह इस जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं ब्राउजर के अलावा। तो क्लास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आप लोगों को बताने का। नोड जेएस के थ्रू हम लोग बैकएंड भी बनाते हैं, ठीक है। बैकएंड हमारा नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस को मिला के बनता है। वक्त के साथ साथ हम चीजों को देखते रहेंगे। तो अब क्लास मैं आप लोगों को चीज दिखाता हूँ। आप लोगों ने ये चीज, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करी होगी हम लोगों ने, आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई आप लोगों के पास, सबके पास पहले नोड जेएस इंस्टॉल हुआ हुआ होना चाहिए। नोड जेएस इंस्टॉल होगा तो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जब आप नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं क्लास, तो जब नोड नोड जेएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, तो आपके पास नोड जेएस ऐसे आ रहा होता है क्लास। अगर मैं सर्च करूं नोड जेएस को, ऐसे आ रहा होता है। अगर मैं इस नोड जेएस को ओपन करता हूं, तो क्लास आप लोगों को टर्मिनल याद है, आप लोग इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ होंगे जी क्लास। ज्यादा बात सबको समझ में आती है, टर्मिनल सबको पता है, ठीक है। तो क्लास मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंटर करा। तो क्लास आप लोग देख सकते हैं, अब आपको जो मैं कह रहा था, अब आपको मेरी बात शायद समझ में आई होगी। नोड जेएस से पहले मैंने आपको बताया, नोड जेएस जब नहीं आया था, नोड जेएस से पहले जावास्क्रिप्ट का जो कोड था उसको हम लिखते थे और एग्जीक्यूट करते थे सिर्फ ब्राउजर के अंदर। लेकिन 2009 में एक गूगल इंजीनियर थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर के अलावा और भी जगह हम यूज कर सकते हैं और इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। तो क्लास हम नोड जेएस आया हमारे पास, नोड जेएस हमारे पास जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट है, ये भी रन टाइम एनवायरमेंट है। देखें, अब आप देखें, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिखा है। क्लास देखें, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। देखें क्लास, ये वही रिजल्ट, वही सिनेरियो दे रहा है जो मुझे यहाँ पे मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट दे रहा था। अगर मैं यहाँ पे करूं कंसोल डॉट लॉग
कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो देखें क्लास कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड रिजल्ट मिल रहा है और नीचे मिल रहा है अनडिफाइंड। क्लास मुझे सिंपल यही रिजल्ट मिल रहा है, क्लास ऐसा है कि नहीं। तो क्लास सिंपली हमारे पास नोड जेएस है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट कि हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के अलावा अपने टर्मिनल किसी भी टर्मिनल पे आप यूज कर सकते हैं। नोड जेएस के अपने टर्मिनल पे कर सकते हैं, किसी और टर्मिनल पे आप यूज कर सकते हैं। तो आप नोड जेएस के टर्मिनल के अंदर आप पूरा कोड भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है नोड जेएस की मदद से। नोड जेएस हमारे पास जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है और नोड जेएस की मदद से हम अपना बैकएंड सब कुछ क्रिएट करते हैं। ठीक है क्लास, ये वाली बात सबको समझ में आई? ठीक है अच्छा, उसके बाद क्लास हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि हम लोगों ने टर्मिनल के थ्रू तो देख लिया कि नोड जेएस का कोड मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे हम नोड जेएस के टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे क्लास हम लोग करते ये है कि इसको बंद कर देते हैं हम लोग रिएक्ट रेडर्स को। अब यहाँ पर आके मैंने एक फोल्डर बनाया नोड जेएस क्लास नंबर 1। ठीक है यहाँ पर एक क्लास में अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे आके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.js के नाम से। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर आके मैं एक console.log लिखता हूँ console.log और मैंने इसके अंदर मैसेज लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है क्लास, अब क्लास जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया भी थोड़ी देर पहले कि जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं ब्राउजर पे, इसी तरह हम ये सारा काम टर्मिनल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक फाइल बनाई और एक फाइल के अंदर मैंने console.log हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब क्लास मुझे इसको रन करना है और इसका जो रिजल्ट है वो मुझे टर्मिनल पे देखना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, वीएस कोड पे आप एक शॉर्टकट की लगाएंगे कंट्रोल बैकटिक, आपको टैब के ऊपर वाली की मिलेगी तो कंट्रोल के साथ वो प्रेस करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। वरना आप ये थ्री डॉट्स देख रहे हैं क्लास, इस पर क्लिक करें आपको यहाँ पे टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें क्लिक करता हूँ तो क्लास आप देखें यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। क्लास मैंने अपने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करा, ये वीएस कोड का टर्मिनल है। आप चाहें तो जो हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा था आप इसके ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा क्लास, अब मुझे क्लास यहाँ पे करना है क्या है कि मुझे इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है और कंसोल डॉट लॉग में जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ टर्मिनल पे उसका आउटपुट चाहिए। तो क्लास यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड, ठीक है, नोड स्पेस और आपने जो फाइल क्रिएट करी है index.js उसका नाम index.js, एंटर। तो क्लास आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड जो मैंने console.log यहाँ पे करवाया। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई? कोई सवाल है तो पूछ लें यहाँ तक। जी क्लास के लड़े सब में आता, ठीक है। अच्छा क्लास, उसके बाद अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जब फाइल क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग और कोड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम लोग टर्मिनल पे। अब क्लास यहाँ पर हमें मिसाल के तौर पे कि अब हमें जो npm आप लोग यूज़ करते हैं नोड पैकेज मैनेजर, अब हमें उसका जो एनवायरनमेंट है वो अपने प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट में ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में। क्लास यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा npm init, ठीक है, npm मैंने init लिखा और करा एंटर। क्लास ये आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछेगा, ठीक है, उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है पैकेज नेम, आप सिंपल एंटर कर दें, वर्जन डिस्क्रिप्शन एंट्री पॉइंट टेस्ट कमांड ये सब आप एंटर करते जाएं और आखिर में आपसे बोलेगा इज दिस ओके, तो आप यस पे क्लिक कर दें। क्लास में एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल यहाँ पे मेरी बन जाएगी। मैंने करा एंटर, आप लोग देख सकते हैं क्लास पैकेज डॉट जेसन की जो फाइल है मेरे पास यहाँ पे बन चुकी है। आप लोग सबको पता है पैकेज डॉट जेसन क्या चीज़ है, क्यों यूज होती है। ठीक है, अच्छा क्लास यहाँ पे इसको बनाने का मतलब क्या है,
मिसाल के तौर पे हम नोड जेएस के थ्रू बैकएंड तो बनाते हैं, लेकिन जो चीज़ें कभी कभार हमें कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ चीज़ें हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम लोग अभी आगे जाके एक्सप्रेस को देखेंगे। तो एक्सप्रेस भी हमें अपने प्रोजेक्ट के साथ, जो कि एक्सप्रेस हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको भी हम अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हम उसकी भी कमांड चलाएंगे। तो कमांड चलाने के लिए हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर आपकी तमाम डिपेंडेंसीज एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे मैंने पैकेज डॉट जेसन की फाइल मैंने बना ली है और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो आप कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखता हूँ, मैंने इफ के ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ट्रू लिखा और कंसोल डॉट लॉग करवाया ट्रू, अगर है तो सही, वरना अगर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करके बोल दें कि ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस को दोबारा चलाया, एंटर करा, तो आप लोग देख सकते हैं क्लास मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो कि लाइन नंबर 1 पे कंसोल आ रहा है। उसके बाद एक सिंपल सी इफ एल्स कंडीशन है, जिसके ट्रू होने पर मेरे पास इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जो जो भी कोड है, आप जाहिर सी बात है, जब आप जावास्क्रिप्ट का कोड करते थे तो उसका रिजल्ट आप ब्राउजर पे देखते थे, तो आप ब्राउजर के साथ साथ आप अपने टर्मिनल पे भी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ नोड जेएस। ठीक है, अच्छा क्लास, उसके बाद इसको करता हूँ कमेंट। अब क्लास नोड जेएस के अंदर हमारे पास कुछ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल सिस्टम्स भी होते हैं। आप नोड जेएस पे आएंगे और गाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई थिंक डॉक्स पे। क्लास आप यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा, आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम मिलेगा। क्लास देखें, आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम मिल दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लास हम लोग नोड जेएस की मदद से फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, और फाइल के अंदर कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं क्लास मेरे पास यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल है और एक पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल है। ठीक है, क्लास मैंने यहाँ पे, अच्छा क्लास एक और बात, क्लास नोड जे एस हमारी कॉमन जे एस समझता है। ठीक है, नोड जे एस समझता है हमारी कॉमन जे एस। कॉमन जे एस आपके पास क्या होती है, ES5, जो आप लोगों ने ECMAScript 5 पढ़ी है रिएक्ट से पहले। ठीक है, ये ES6 को नहीं समझता नोड जे एस। ठीक है, तो ये है इसका अपना, अच्छा इसको कर भी सकते हैं हम लोग ES6 में नोड जे एस को, लेकिन कुछ चीज़ें हमें एड ऑन करनी पड़ेंगी पैकेज और जेसन के अंदर। ठीक है, तो क्लास अगर मुझे कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी हुई पड़ी, तो आप लोग ES6 में कैसे करते थे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम जो भी आपका पैकेज होता था, जो भी आप पैकेज पैकेज और जेसन के थ्रू डिपेंडेंसी इंस्टॉल करवाते थे। लेकिन यहाँ पे क्लास अब मुझे फाइल सिस्टम, जो अभी हम लोग अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि हम लोग नोड जेएस की मदद से कैसे फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट डिलीट रीनेम कैसे कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो क्लास अब यहाँ पे मुझे FS जो कि फाइल सिस्टम है उसको इम्पोर्ट करना है, जो कि हमारा पैकेज है नोड जेएस का। तो क्लास अब हम नोड जेएस समझते हैं ES5। अच्छा, ES5 को क्लास हम लोग कॉमन जेएस बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई आपसे पूछे कॉमन जेएस पढ़िए, तो आप लोग घबरा मत जाना, आप बोलना पढ़िए, क्योंकि कॉमन जेएस का मतलब ही है हमारे पास ES5 है। और ES6 को कुछ लोग मॉड्यूल जेएस भी बोलते हैं। तो मॉड्यूल जेएस इज सेम एज ES6 और कॉमन जेएस इज सेम एज ES5। अच्छा क्लास यहाँ पर चलते हैं। अब क्लास मुझे इंपोर्ट करना है फाइल सिस्टम को, लेकिन ES6 तो यहाँ पे चलता नहीं है, तो ES5 में हम इंपोर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्लास आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, मैंने एक वेरिएबल बनाया FS के नाम से। F मतलब फाइल और S मतलब सिस्टम। तो एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने यूज करा क्लास क्या, रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर मैंने पास करा FS। तो क्लास ये तरीका है इम्पोर्ट करवाने का ES5 में। ES6 में कैसे होता, अगर मैं करता इम्पोर्ट FS फ्रॉम FS, अगर मैं ये करूँ ना क्लास, तो मेरा
जो मेरा रिजल्ट है ना वो नहीं आएगा क्लास, क्योंकि नोड जेएस समझता ही नहीं है ES6 को, वो सिर्फ ES5 को समझता है। तो ES6 में हम ऐसे करते थे, ES5 में हम ऐसे करेंगे। तो क्लास ये वाली चीज सबको समझ में आई? ठीक है। अच्छा क्लास, अब मैं आता हूं यहां पे नीचे। अब क्लास मैंने यहां पे करा fs डॉट, अब क्लास यहां पे मुझे मल्टीपल मेथड्स मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे करना है फाइल, एक मिनट, मुझे यहां पे करना है राइट फाइल सिंक। ठीक है, क्लास मुझे यहां पर आना है, और यहां पर आके क्लास मुझे करना ये है कि मुझे फाइल बनानी है। किस नाम से बनाए, नोट js डॉट txt। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास एक फाइल बनाई, नाम रखा फाइल का नोट js डॉट txt, कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमास में, उस txt की फाइल में मुझे कौन सा मैटर देना है वो लिखूंगा। तो उस फाइल के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज अ सिंपल टेक्स फाइल। क्लास ये वाली बात सबको समझ में आई? fs जो कि हमारा फाइल सिस्टम है उसको सबसे पहले हमने इम्पोर्ट करा नोड जेएस से, और उसका एक मेथड यूज करा राइट फाइल सिंक। ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमसे लेता है क्लास दो पैरामीटर, एक पैरामीटर में वो फाइल क्रिएट करेगा डॉट txt की, और दूसरे पैरामीटर में उस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखना है हमने वो यहाँ पे दे दिया। अच्छा क्लास, अब मैं जैसे ही मेरा ये काम हो गया, मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। अब क्लास जैसे ही मैं वाली कमांड चलाऊंगा ना क्लास, आप लोग यहाँ पे देखिएगा मेरी फाइल क्रिएट होगी txt की, नोट जेएस डॉट txt की। मैं करता हूँ एंटर, आप लोग देख सकते हैं क्लास नोट जेएस डॉट txt की फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई। ठीक है, और मैं इसके अंदर जाता हूँ तो क्लास जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल। तो क्लास ये वाला मेथड सबको समझ में आया? कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। जी बस थोड़ा सा और, 5 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम लोग एंड करते हैं क्लास को, उसके बाद फिर हम लोग फिर आप लोग नमाज अदा कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्लास, तो हम लोगों ने, अच्छा क्लास ये फाइल सिस्टम देख लें फिर हम एंड करते हैं। ठीक है, तो क्लास हम लोगों ने फाइल fs फाइल सिस्टम को इम्पोर्ट करना देख लिया, हमने फाइल क्रिएट करना देख लिया, उसके अंदर मटेरियल हम भी हमने ऐड करना देख लिया। ठीक है, अच्छा क्लास मिसाल के तौर पे अब मुझे कुछ ऐसा मेथड लगाना है कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इस फाइल के अंदर जो भी मैटर लिखा हुआ हो वो मुझे मिल जाए। मतलब मैं फाइल सिस्टम, एक मेथड होता है हमारे पास रीड फाइल का, मतलब उस फाइल का जो कंटेंट है वो रीड कर सकूं टर्मिनल के अंदर। कैसे करूंगा, आप लिखेंगे एफ एस डॉट, आप एक मेथड कॉल करेंगे रीड फाइल का, उसके अंदर क्लास आप लोग वो पाथ देंगे जो आप लोगों ने पाथ दिया है, मिसाल के तौर पे ये वाला पाथ दे देंगे इन्वर्टेड कॉमास समेत, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास आप लोग यहाँ पे दूसरे में लिखेंगे एक कॉल बैक फंक्शन, और क्लास यहाँ पे आप कंसोल करवाएं, सॉरी कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, इस कॉल बैक फंक्शन में क्लास हमें दो चीजें मिलती हैं, एक होता है क्लास हमारे पास एरर और दूसरा होता है हमारे पास रिस्पॉन्स। ठीक है, इस रिस्पॉन्स को मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। अच्छा क्लास, मैंने क्या करा, इस फाइल को मुझे सिर्फ रीड करना है इसके अंदर का मैटर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है लेकिन मुझे टर्मिनल पे वो मैटर चाहिए। तो क्लास मैंने यहाँ पे पहले पैरामीटर में फाइल का नाम दिया, दूसरे पैरामीटर में मैंने कॉल बैक फंक्शन दिया। अब सिंपल मैं इस फाइल को अगर एग्जीक्यूट करूं, थोड़ा टर्मिनल में ऊपर कर ओपन कर लेता हूं, यहां पे मैंने फाइल को एग्जीक्यूट करा, तो क्लास अब यहां पे देखें मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन ये कोई अजीब सी वैल्यू आ गई मेरे पास। ये बफर क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा लेकिन क्लास मुझे तो ये वाली वैल्यू चाहिए, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए, तो
इसके लिए मैं एक और पैरामीटर यहाँ पे देता हूँ, आई थिंक यू टी एफ 8, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं हम लोग, इसको सेव करता हूँ, CLS करते हैं, ठीक है। तो क्लास, अब आपको जो मुझे टेक्स्ट रीड करना था इस फाइल का, वो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। क्लास, पहले मेरे पास आ रहा था बफर, वो क्यों आ रहा था, उसकी वजह ये है कि देखें, मिसाल के तौर पे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो जो वेरिएबल बनाते हैं वो हमारी मेमोरी तो लेता है, हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है। लेकिन जब हम नोड जेएस में कोई फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो मटेरियल लिखते हैं, तो वो सेव करवाता है हमारी किसी ना किसी लोकेशन में, वो हमारी किसी ना किसी मेमोरी की लोकेशन में सेव करवाता है। तो जो मेमोरी की लोकेशन थी ना, तो वो लोकेशन मुझे इन अ फॉर्म ऑफ बफर में मिल रही थी, इन अ फॉर्म ऑफ बफर। आप लोग देख रहे होंगे कितनी मेरे पास काउंटिंग आ रही थी, तो बेसिकली लोकेशन थी उस टेक्स्ट की जो कि मेरे पास मेरी कंप्यूटर की मेमोरी में सेफ थी। तो आपने यहाँ पे एक और पैरामीटर देना है, UTF-8, तो क्या होगा, वो बफर से कन्वर्ट हो जाएगा हमारी टेक्स्ट में, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ। क्लास वाली बात सबको समझ में आई? अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करें UTF-8, तो क्लास ये है यूनिकोड्स। यूनिकोड्स आप लोग समझते हैं क्या होता है, सबको पता होगा यार, ये तो बहुत आसान सी चीज है। UTF-8 समझ लें, आपके जो कीबोर्ड है ना, आपका कीबोर्ड जो कोड समझता है, कंप्यूटर आपके जो कीज हैं कीबोर्ड की, वो UTF कोड पे समझती है। मतलब आपका जो कीबोर्ड होता है वो एक सेट हुआ वो होता है UTF पर, ठीक है। तो बेसिकली वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है इस जगह पे, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा रीड का। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है एक और, इसको कमेंट कर देते हैं। अब क्लास मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई चीज इसके साथ अपेंड करवानी, मतलब इसके आगे एक और कोई और सा पैराग्राफ, कुछ भी मटेरियल लिखना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। फाइल सिस्टम को मैं बुलाऊंगा, एक मेथड होता है अपेंड फाइल का। आप यहाँ पे सिंपल नोड नोड जेएस डॉट टीएक्सटी दे दें, और उसके बाद यहाँ पे क्लास आप वो मटेरियल दे दें, एंड फाइल नेम इज, फाइल नेम इज नोड जेएस डॉट टीएक्सटी। क्लास मैंने एक मेथड लगाया fs डॉट अपेंड फाइल, मुझे इस टेक्स्ट के आगे कुछ और टेक्स्ट लिखना था, तो मैंने उसके लिए एक मेथड लगाया अपेंड फाइल का। पहले पैरामीटर में उस फाइल का नेम आएगा, दूसरे पैरामीटर में क्लास उसके आगे वो मटेरियल आएगा जो उसके आगे से शुरू होना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, और उसके आगे आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे पास करा है, एंड फाइल नेम इज नोड जेएस डॉट टीएक्सटी, ठीक है। क्लास इतनी बात सबको समझ में आई? अब इसको सिंपल एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक मिनट, आई थिंक कुछ गलती करी है मैंने, चेक कर लेते हैं। अपेंड फाइल, ओके ओके। अच्छा क्लास, मुझे यहाँ पे ना एक कॉल बैक फंक्शन भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन मुझे क्या पास करना है, सिर्फ एक पास करना है, तो हम लोग कर देते हैं एरर, ठीक है। अच्छा क्लास, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर एरर नहीं है, ठीक है, तो क्या चल जाए मेरे पास, कंसोल डॉट लॉग फाइल हैज बीन अपडेटेड। क्लास वाली बात सबको समझ में आई? मैंने करा क्या, मुझे इस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, मुझे मजीद आगे और भी टेक्स्ट लिखना था, तो मैंने अपेंड फाइल का एक मेथड लगाया। इसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, पहला पैरामीटर में मैंने फाइल का नाम दिया, दूसरे पैरामीटर में कौन सा मुझे टास्क, कौन सा मतलब क्या ऐड करना मैंने वो ऐड करा, और लास्ट पैरामीटर में मैंने कॉल बैक फंक्शन दिया। इसमें सिर्फ एक चीज आएगी एरर, कि
और फिर कंडीशन लगा दी कि अगर एरर नहीं है तो कंसोल आ जाए मेरे पास यहाँ पे मैसेज कि फाइल अपडेट हो चुकी है। ठीक है, सीएलएस करते हैं, दोबारा मैं चेक करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो क्लास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैसेज आ गया। ठीक है, अब मैं जाके देखूँ नोड जेएस में जाके, तो क्लास आप लोग देख सकते हैं मेरी जो फाइल है वो अपडेट हो चुकी है, जो मैंने मैसेज लिखा था वो मेरे पास आ चुका है। अच्छा क्लास, अब एक लास्ट मेथड रह गया फाइल सिस्टम के हवाले से। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि किस तरह फाइल क्रिएट होती है, रीड होती है, अपडेट होती है। अब मुझे करना है फाइल को डिलीट। ठीक है, तो जो मैंने फाइल बनाई थी अगर मुझे उसको करना है डिलीट, तो मैं वो कैसे करूँगा, वो भी मैं एक मेथड के थ्रू करूँगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एफ एस डॉट, हमारे पास मेथड होता है क्लास, चेक कर लेते हैं यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सही क्लास, आप यहाँ पे यूज करेंगे एफ एस डॉट अनलाइक सिंक के नाम से। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है जो आपने क्रिएट करी है, तो आप उसको अगर डिलीट करेंगे तो आप मेथड के यूज करेंगे अनलाइक सिंक के नाम से। अब यहां पे आके आप वो फाइल का नेम दे दें। मैं ऊपर चलता हूँ, जो हमने फाइल का बनाई है नोट जे एस डॉट टी एक्स टी, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिंपल मैं क्लास करता ये कुछ सेव करता हूँ, अपने टर्मिनल को मैंने क्लियर करा। अब जैसे मैं नोट जेएस लिखूंगा, आप देखें मेरी फाइल यहाँ से खुद ब खुद डिलीट हो गई। तो क्लास ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फाइल सिस्टम का नोट जेएस के अंदर, होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा, कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लास मैंने अपेंड फाइल में कुछ भी नहीं करा, अपेंड फाइल अगर मुझे कुछ अपडेशन करनी है फाइल में, तो मैंने मेथड लगाया अपेंड फाइल का, उसके अंदर तीन पैरामीटर्स आप लोगों को लिखने। पहले पैरामीटर में क्लास ऑब्वियसली आपके पास वो फाइल का नेम आएगा, दूसरे पैरामीटर में क्लास आप लोग वो टेक्स्ट देंगे जो टेक्स्ट आप उस फाइल के अंदर कॉन्केटिनेट मतलब अपेंड कराना चाहते हैं। उसके बाद फिर फाइनल पैरामीटर में आप देंगे कॉल बैक फंक्शन कि अगर कोई एरर आता है अपडेशन में तो वो हमें एरर दे दे, और अगर नहीं आता तो सिंपल कंसोल में मैसेज प्रिंट करवा दो फाइल हैज बीन अपडेटेड। तो सिंपल ये था किसी भी चीज़ को अपडेट कराने के लिए।